हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 10। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका कितना स्कोर आया है, ठीक है, आउट ऑफ 50। सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का मॉक टेस्ट। तो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, एज पर द डेटा रिलीज बाय द एनएसओ दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज इंडिया जीडीपी ग्रू टू डैश परसेंट इन क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये यहाँ पे इन्होंने जो प्रोजेक्शन की है जीडीपी की फॉर द क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024, ये कितनी है? ये आपकी है 7.8%, ठीक है, कितना है? 7.8%। वेयर एज जो लास्ट ईयर की प्रोजेक्शन थी फॉर द क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023, ये आपकी थी 6.1% की, ठीक है। तो ये दोनों चीज ध्यान में रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन ऑगस्ट द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड दैट इज इफकोस नैनो डीएपी प्लांट इन डैश। तो जो अमित शाह जी है, इनका 2 दिन का विजिट था गुजरात में, जहां पे इन्होंने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है इफको का, नैनो डीएपी प्लांट का, कहां पे रखा गया है? इन दी गांधीधाम गुजरात, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि इंडिया ने वर्ल्ड का फर्स्ट लिक्विड नैनो डीएपी जो है वो लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया गया था? अप्रैल 2023 में, ठीक है। और ये किसने बनाया था? इफको ने बनाया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो 2 दिन का विजिट था अमित शाह जी का, इन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा था रीजनल हब ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, एनएसजी का। यहाँ पे रीजनल हब का फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखा है कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज, ऑन 1 सेप्टेम्बर 2023 द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम दैट इज सीबीआईसी लॉन्च एन इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम कॉल्ड मेरा बिल मेरा अधिकार टू इनकरेज कल्चर ऑफ कस्टमर्स आस्किंग फॉर अ इनवॉइसेस और अ बिल फॉर ऑल परचेजेस। द मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम इनिशियली लॉन्च एज अ पायलट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और अ यूटीज। सो बेसिकली यहाँ पे आपकी जो स्कीम है मेरा बिल मेरा अधिकार, इस स्कीम में जब आप बिल लोगे, बेसिकली जो इनवॉइसेस आप लोगे, उन पे आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में इसे जो है पायलट प्रोजेक्ट इसका लॉन्च किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज असम, गुजरात, हरियाणा एंड पुंडुचेरी, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव। ये आपके स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब इसके अलावा डिटेल में बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रिवॉर्ड्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो जो ये रिवॉर्ड्स हैं ये 10,000 से 1 करोड़ तक के रिवॉर्ड्स हैं, जो जिनके लिए प्रॉपर एक कंडीशन रखी गई है, जैसे कि जो आपका बिल है वो मिनिमम परचेज उसका होना चाहिए 200 रुपीज का, ठीक है, तभी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। टोटल मंथ में 25 इनवॉइसेज या बिल आप जो है अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कितने लोगों को प्राइजेस दिए जाएंगे? मंथली बेसिस पे यहाँ पे जो कंडीशन है विच इज 800 अवॉर्डीज को यहाँ पे 10,000 तक का अवार्ड या रिवॉर्ड जो है वो दिया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 10 लाख तक का अवार्ड, ये आपके 10 अवॉर्डीज को दिया जाएगा, ठीक है। क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखें तो 1 करोड़ का जो आपका रिवॉर्ड है ये 2 लोगों को दिया जाएगा। तो ये इसके क्राइटेरिया रखे हुए हैं, जो भी आपके इन्वॉइसेस होते हैं मंथली, ठीक है, मैक्सिमम 25 इनवॉइसेस आप इनकी साइट पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे अगर आप लकी पर्सन होंगे तो आपको इनमें से जो रिवॉर्ड यहाँ पे मेंशन किए गए हैं उसके आप भागीदार बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली इन ऑगस्ट रिसीव द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द सेबी टू लॉन्च एन असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्हें सेबी के द्वारा फाइनल अप्रूवल दिया गया है असेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च करने के लिए? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जीरोधा, ठीक है। कौन सी कंपनी है? इट इज जीरोधा, और इसका पूरा नाम है जीरोधा असेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, या इसे आप कह सकते हो जीरोधा फंड हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंपनी को जो है आपका इनको फाइनल अप्रूवल यहाँ पे मिला था, और इसके जो सीईओ हैं वो यहाँ पे बनाए गए थे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है विशाल जैन। क्या नाम है इनका? विशाल जैन। इसके अलावा ये आपका कौन सी कंपनीज का जॉइंट वेंचर है ये भी एग्जाम में पूछा सकता है। तो जीरोधा फंड हाउस जो है ये जॉइंट वेंचर है जीरोधा एंड स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट का क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर आरबीआई लॉन्च ऑपरेशन ऑफ अ प्री सेंक्शन क्रेडिट लाइंस एट अ बैंक्स थ्रू यूपीआई, दिस सर्कुलर अप्लाइज टू अ स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग डैश। तो देखो रिसेंटली आरबीआई ने यहाँ पे लॉन्च किया है प्री सेंक्शन क्रेडिट लाइंस एट बैंक्स, किसके थ्रू? यूपीआई के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे इसे समझ लेते हैं क्रेडिट लाइन क्या होता है। पहले तो क्रेडिट लाइन मीन्स प्री अप्रूव्ड लोन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी पूरा स्टेटस देख के बैंक ने मेरे को अलाउ किया 1 लाख तक का क्रेडिट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक जो है ये डिसाइड करेगा क्रेडिट लाइन, फिर उसके बाद कब तक इस जो भी अमाउंट हम यहाँ पे विड्रॉ करेंगे या जो भी अमाउंट यहाँ पे हम यूज करेंगे उसे कब तक लौटाना है ये बैंक आपका डिसाइड करेगा, फिर क्या इंटरेस्ट रेट इस पे लगना चाहिए ये सारा कुछ आपका बैंक डिसाइड करेगा। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, जैसे मेरे पास प्री अप्रूव्ड लोन है, जैसे मैंने 1 लाख का लोन लिया है, ठीक है, तो जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं क्या करूंगी, इस लोन को विड्रॉ करवा सकती हूँ, मुझे बाकी जो भी आपके फंक्शंस होते हैं जो भी आपका प्रोसेस होता है वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये है। अब जैसे एक दिन क्या हुआ, मेरे को इमरजेंसी हुई, ठीक है, मेरे अकाउंट में 30,000 रुपए थे बट मुझे पेमेंट करनी थी 50,000 की, तो मैंने क्या किया, मैंने इस क्रेडिट लाइन से जो है 20,000 अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर लिया, तो मेरे अकाउंट में कितने हो गए, 50,000 हो गए, उसके बाद मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दी। ठीक है, अब देखो जो ड्यूरेशन यहाँ पे बैंक डिसाइड करेगा उस ड्यूरेशन में मेरे को ये मनी जो है वो मेरे अकाउंट से वो मनी डिडक्ट हो जाएगा प्लस जो इंटरेस्ट रेट है वो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है बच्चों का कि जो इंटरेस्ट रेट है वो पूरे अमाउंट पे लगता है या फिर जो अमाउंट हमने विड्रॉ की है, तो आपका आंसर यहाँ पे है जितनी अमाउंट आपने विड्रॉ की है उसी पे इंटरेस्ट रेट आपका लगता है। ठीक है, वो अमाउंट जब आप जो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा फिर आप दोबारा से इसे यूज कर सकते हो, जो आपका ये अमाउंट है इसे आप दोबारा से यूज कर सकते हो। ठीक है, बट उससे पहले आपको जो आपके ड्यूज हैं वो क्लियर करने हैं। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ वापस क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्कुलर जो है ये कौन से स्केड्यूल कमर्शियल बैंक पे अप्लाई है, अप्लाई होता है, बट कुछ इनमें से बैंक है जिन पे अप्लाई नहीं होता है। कौन कौन से बैंक हो जाते हैं, जैसे पेमेंट बैंक्स हो गए, फिर आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा, आरआरबीज हो गए, ये इन पे अभी जो है अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, मोटा मोटा आप इसे ऐसे समझ सकते हो यूपीआई नाउ पे लेटर। ठीक है, मतलब जैसे बाय नाउ पे लेटर होता है, आप क्या करते हो बाय कर लेते हो और बाद में पे करते हो उसके लिए, तो सेम आपका इस तरह से ही ये प्रोसेस है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन ऑगस्ट एनटीपीसी लिमिटेड साइन एन एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सप्लोर कोलैबोरेशन इन एरियाज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव एंड डीकार्बोनाइजेशन। तो आंसर यहाँ पे आपको बहुत सिंपल है, दैट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने एनटीपीसी के साथ एमओयू साइन किया है फॉर द इन द एरियाज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड पूछी जा सकती है, विच इज इसके चेयरपर्सन कौन है ऑयल इंडिया लिमिटेड के, तो इनका नाम है रंजीत रथ और इसका हेडक्वार्टर है धुलियांचल असम में। एनटीपीसी लिमिटेड की बात की जाए तो इसके आपके सीएमडी हैं गुरदीप सिंह और इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली दिल्ली में। नाउ अब दोनों ये जो दोनों कंपनी है ऑल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी, ये दोनों महारत्न कंपनी है। ठीक है, कौन से ईयर में इन्हें जो है महारत्न स्टेटस दिया गया था, तो एनटीपीसी लिमिटेड को दिया गया था 2010 में, वेरियस जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है इसे 4 अगस्त 2023, मतलब इसी साल इसको महारत्न स्टेटस दिया गया है, तो ये आपका इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन मेंस जैवलिन थ्रो एट द लुसेन डायमंड लीग 2023 विद अ 87.66 मीटर थ्रो। सो पहले तो ये पता होना चाहिए जो ये लीग है ये कहाँ पे हुआ है, ये आपका लुसेन स्विट्जरलैंड में हुआ है। ठीक है, लुसेन स्विट्जरलैंड, एंड यहाँ पे टॉप किया है, यहाँ पे गोल्ड मेडल लिया है नीरज चोपड़ा ने जो आपके इंडिया के प्लेयर हैं, सिल्वर मेडल आपका लिया है जर्मनी के प्लेयर जिनका नाम है जुलियन वेबर, एंड थर्ड आपके हैं जेक रिपब्लिक के जैकोब वेडलेज। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेंस लॉन्ग जंप इवेंट जो था वो हेल्ड हुआ था, उसमें फर्स्ट नंबर आपका था ब्रह्मास के जो प्लेयर हैं इनका नाम है लाकवान, जिन्होंने 8.11 मीटर की यहाँ पे लॉन्ग जंप ली थी। सेकेंड आपका है ग्रीक के प्लेयर, इट इज मिल टीएडिस। थर्ड आपके आए थे युकी होशिका जो जापान के प्लेयर हैं, एंड फिफ्थ नंबर पे आपके थे मुरली श्री शंकर जो इंडिया के प्लेयर थे। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ अ नेशनल एसोसिएशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, दैट इज नेस्कॉम। नेस्कॉम के रिसेंटली चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, इनका नाम है राजेश नाम्बियर। क्या नाम है? राजेश नाम्बियर। एंड अभी रिसेंटली जो है वाइस चेयरमैन भी यहाँ पे बनाए गए हैं, इनका नाम है सिंधु गंगाधरन। क्या नाम है इनका? सिंधु
गंगाधरन। एंड जो राजेश नायर जो चेयरमैन बने हैं, इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है अनंत महेश्वरी को, ठीक है, जो आपके फॉर्मर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो राजेश नाम्बियर हैं, ये करंटली एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन है आपके कॉग्निजेंट इंडिया के। सिंधु गंगाधरन जो वाइस प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन बनाई गई हैं, इन ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सैप लैब इंडिया की। एंड अनंत महेश्वरी की हमने बात की थी अभी, तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के। एंड करेंटली इन्हें जो है कुछ टाइम पहले ही अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ अ हनीवेल हाई ग्रोथ रीजन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब नेस्कॉम जो है, नेस्कॉम का हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा सकता है, तो ये लोकेटेड आपका नोएडा में। ठीक है, एंड इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, 1988 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हजार्डस इफेक्ट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक बैग ऑन द एनवायरमेंट। सो आपका इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे जो है कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 3rd of July को। ठीक है, कब मनाया जाता है इसे, 3rd of July को। एंड सबसे पहले इसे 2008 में मनाया गया था स्पेन में। सबसे पहले कहाँ मनाया गया था, स्पेन कंट्री में इसे मनाया गया था। इसके बाद 2009 में जो जीरो वेस्ट यूरोप आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने डिसाइड किया था इसे यूरोप लेवल पे हम जो है इसे यूरोप लेवल पे ऑब्जर्व करेंगे। एंड ये डिसीजन लिया गया था 2009 में। इसके बाद फिर इसे ग्लोबली मनाया जाने लगा। इसके अलावा यहाँ पे बात हो रही है प्लास्टिक बैग से रिलेटेड। ठीक है, तो प्लास्टिक बैग, अब जो एनवायरमेंट डे हमारा था उसमें भी हमने एक कैंपेन लॉन्च किया था, अगर आपको याद हो, जिसका नाम क्या था, #BeatPlasticPollution, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और उसमें भी हमारा फोकस क्या था कि हम जो प्लास्टिक है उसको कम करें। ठीक है, अब एनवायरमेंट डे की बात हो ही रही है, तो एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टैब्लिश। तो आपका IMF कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 1944 में से स्टैब्लिश किया गया था। और इसके करेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है क्रिस्टिनिना जॉर्जिवा। ठीक है, क्या नाम है, क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। ठीक है, वेरियस हेडक्वार्टर की बात करें IMF की, तो ये लोकेटेड आपका वॉशिंगटन DC में। ठीक है, कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC USA में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द 7th नीलगिरी क्लास स्टील फ्रेगेट अंडर द प्रोजेक्ट 17A व्हिच वाज रिसेंटली इन सितंबर लॉन्च एट द मैज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र। तो आंसर यहां पे आपका हो जाएगा, इट इज योर INS महेंद्रगिरी। क्या नाम है इसका, INS महेंद्रगिरी। और इस शिप को किसने किसने लॉन्च किया था, जो आपके जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जगदीप धांकर, इनकी जो वाइफ है सुदेश धांकर, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, और इसे कौन सी कंपनी ने बिल्ड किया है, तो इट इज बिल्ड बाय दी मैज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसके आपके चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम है संजीव सिंगल। क्या नाम है इनका, संजीव सिंगल। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है। अब यहाँ पे एक चीज और पूछी जा सकती है, जो आपकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, दैट इज INS महेंद्रगिरी जो है इसे किसके नाम पे रखा गया है, तो इट इज अ माउंट पीक इन ईस्टर्न घाट ऑफ ईस्टर्न घाट विच इज लोकेटेड इन दी ओडिशा। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च अ स्कीम कॉल्ड मुख्यमंत्री स्पोर्टिंग एबिलिटी रीबिल्डिंग एस्पिरेशन एंड लाइवलीहुड स्कीम, दैट इज सबल स्कीम, सबल योजना टू एम्पावर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हिमाचल प्रदेश के जो आपके CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था। और इस स्कीम के तहत 400 स्कूल्स जो हैं आपके हमीरपुर, सोलन एंड शिमला के, उन्हें यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। और यहाँ पे जो एसेंशियल फैसिलिटीज हैं वो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस को दी जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा 2% रिजर्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट जॉब्स में। एंड जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस होते हैं उनको यहाँ पे स्टाइफन दिया जाता है, ये भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, 1000 रुपीज इसे कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था अभ्यास हिमाचल एंड शिक्षक साहित्य चैटबॉट। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड अ 40.5 मिलियन यूएस डॉलर लोन टू मेघालय फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड मेटरनल मेंटल हेल्थ। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रिसेंटली इन मंथ ऑफ अगस्त
जो है अप्रूवल दिया है 40.5 मिलियन US डॉलर का मेघालय को। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? इट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब मेन मोटिव क्या है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का, कि जो आपका जो डे केयर सेंटर है या जो आंगनवाड़ीज हैं उनको यहाँ पे एडवांस करना, ठीक है, उनको इम्प्रूव करना, ये मेन मोटिव है। साथ में ये भी आपको नोट करना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ मेघालय है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है 15.27 मिलियन US डॉलर का इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन ऑगस्ट द DGCA फॉर्म्स अ 4-member कमिटी टू प्रोवाइड सजेशन फॉर द अचीविंग द जेंडर इक्वालिटी इन एविएशन सेक्टर इन इंडिया। हु इज करंट चेयरमैन ऑफ DGCA? ठीक है, DGCA क्या है? इट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका काम क्या होता है, जैसे अगर एविएशन एक्सीडेंट्स हो गए या कुछ इंसिडेंट हो गया तो ये पूरा उसका जो है इन्वेस्टिगेट करता है, साथ में ही ये लाइसेंस भी इशू करता है और जो भी आपके रेगुलेशंस होते हैं एविएशन से रिलेटेड वो सारे मेंटेन कौन करता है? DGCA। तो ये इसका काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एविएशन सेक्टर है इसमें जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए एक कमेटी यहाँ पे बनाई गई है, 4-member कमेटी, जिसके मेंबर आपके हैं RP कश्यप, सुरविता सक्सेना, पवन मालविया एंड कविता सिंह। अब ये जो कमेटी है इन्हें 6 month में अपनी रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करनी है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चेयरमैन कौन है DGCA के, तो करंट चेयरमैन इसके हैं विक्रम देवदत्त। क्या नाम है इनका? विक्रम देवदत्त। और DGCA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, दैट इज NMML, हैज ऑफिशियली बीन रीनेम्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी विद इफेक्ट फ्रॉम 14th August 2023। इन विच ईयर द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी वॉज स्टैब्लिश? तो कौन से ईयर में से स्टैब्लिश किया गया था? तो 1964 में से स्टैब्लिश किया गया था आफ्टर द डेथ ऑफ आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड द उत्केला एयरपोर्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो उत्केला एयरपोर्ट आपका रीजनल एयरपोर्ट है आपका उड़ीसा का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंड उड़ीसा के जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट भी लॉन्च की गई है उत्केला से भुवनेश्वर के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब जो आपका ये एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट को डेवलप किया गया है अंडर दी उड़ान स्कीम, विच इज रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसका टोटल कॉस्ट आपको पूछा जा सकता है, विच इज 31.07 करोड़ इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए जो लागत आई है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ जाता है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज लॉन्च अ जीवन धारा सेविंग बैंक अकाउंट डिजाइन फॉर द पेंशनर्स? तो इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने जीवन धारा सेविंग अकाउंट बैंक लॉन्च किया है पेंशनर्स के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द कैनरा बैंक। ठीक है, दो टाइप के यहाँ पे वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, विच इज डायमंड अकाउंट और दूसरा आ जाता है प्लेटिनम अकाउंट। डायमंड अकाउंट में क्या है कि अप टू 50,000 जो है वो आपकी पेंशन क्रेडिट होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो ये आपका प्लेटिनम अकाउंट में आ जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और फीचर जो है वो इंपॉर्टेंट है, विच इज कि मेडिकल एक्सपेंसेस यहाँ पे जो है उनमें 25% का कंसेशन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, इस बैंक अकाउंट के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा कैनरा बैंक के आपके सीईओ कौन है करंट, इनका नाम पूछा जा सकता है, तो इनका नाम क्या है? के सत्य नारायण राजू। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये लोकेटेड आपका बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द अनवर उल हक कक्कर बिकेम द 8th caretaker PM ऑफ विच कंट्री? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपके 8th caretaker PM बने हैं पाकिस्तान के। ठीक है, इनसे पहले 23rd PM कौन बने थे? इनका नाम है शहबाज शरीफ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन सा आपका फर्स्ट पेमेंट बैंक बना था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसे जनवरी 2017 में 2017 में से लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब करंट MD एंड CEO कौन है आपके एयरटेल पेमेंट बैंक के? तो इनका नाम है अनुव्रता विश्वास। क्या नाम है? अनुव्रता विश्वास। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है एयरटेल पेमेंट बैंक का? तो ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये देख लेते हैं। जैसे जो पेमेंट बैंक होता है ये मैक्सिमम जो अमाउंट एक्सेप्ट कर सकता है इनके कस्टमर्स है ये है आपका 2 लाख। क्या लिमिट है इसकी? 2 लाख, पहले ये आपका 1 लाख हुआ करता था। ठीक है,
इसके अलावा जो पेमेंट बैंक्स होते हैं ये एनआरआई से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एनआरआई की डिपॉजिट होता है ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो पेमेंट बैंक होता है ये एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड तो इशू कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट इशू अ क्रेडिट कार्ड। तो ये आपको क्वेश्चन बन सकता है स्टैटिक का, ठीक है, कि क्रेडिट कार्ड पेटीएम जो पेमेंट्स बैंक होते हैं ये इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैव डिस्कवर्ड अ यूनिक कार्बन एनहांस्ड मेटल पुअर स्टार नेम HE 1005-1439। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर। ये सारे ही आपके जो इंस्टीट्यूट हैं ये आते हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, और इन्हीं में से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने डिस्कवर किया है इस स्टार को, ठीक है, जिसका नाम है HE 1005-1439, ठीक है। अब इसे कब स्टैब्लिश किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को, ये भी पूछा सकता है, तो 1971 में से स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। Now next is which bank recently in September partnered with OneCard to launch mobile first Visa signature metal co-branded credit card? तो answer here is यहाँ पे collaboration, यहाँ पे partnership की गई है by the Indian bank, ठीक है। Indian bank के आपके CEO कौन है? शांतिलाल जैन, और इसका headquarter कहाँ located है? ये located आपका चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। CEO कौन है इसके? इनका नाम है शांतिलाल जैन। नाउ वन कार्ड की बात कर लेते हैं। वन कार्ड के आपके जो है सीईओ कौन है? इनका नाम है अनुराग सिन्हा, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द स्टेट दैट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन अ कंट्री टू ऑफर अ फ्री IVF दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन थेरेपी एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोवा के जो आपके सीएम है प्रमोद सावंत जी, इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है IVF थेरेपी, ठीक है, गोवा के गोवा मेडिकल कॉलेज में, जो आपका लोकेटेड है बैम्बोलिम गोवा में, ठीक है, अलॉन्ग विद द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दैट इज आर्ट एंड इराटेरिन इमेंसिनेशन दैट इज IUI, ठीक है, इन दोनों के साथ मिलके इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है फ्री IVF थेरेपी गोवा के मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, गोवा के जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे से लॉन्च किया गया है, और इसी के साथ गोवा पहला स्टेट बन गया है जिसने इस टाइप का जो है ऑफर, फ्री ऑफर बेसिकली प्रोवाइड किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली इन जुलाई द माइकल रोसन ब्रिटिश चिल्ड्रंस राइटर एंड परफॉर्मेंस पोएट ऑनर्ड विद द पेन पिंटर प्राइज 2023। द अवार्ड वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर डैश इन अ मेमोरी ऑफ अ प्ले राइट हारोल्ड पिंटर। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इसे स्टैब्लिश किया गया था 2009 में, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो आपका अवार्ड है ये ऐसे राइटर्स को दिया जाता है जो रेजिडेंट हैं आपके यूनाइटेड किंगडम के, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के एंड कॉमनवेल्थ और अ फॉर्मर कॉमनवेल्थ, जो बेसिकली फियरलेसली अब जो ट्रुथ है उसको एक्सपोज करते हैं, जो सच है उसे फियरलेसली एक्सपोज करते हैं, तो ऐसे राइटर्स को ये अवार्ड दिया जाता है। अब यहाँ पे इस साल ये किसे दिया गया है? माइकल रोसन को। एंड ये जो अवार्ड सेरेमनी आपकी है ये कब होगी? 11 अक्टूबर 2023 को। इसके अलावा एक चीज़ और नोट करनी है, जो आपके हारोल्ड पिंटर हैं इन्हें 2005 में जो है नोबल प्राइज भी दिया गया था लिटरेचर में, ठीक है, नोबल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द ऐप दैट वाज रिसेंटली इन ऑगस्ट लॉन्च बाय द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन खुशविंदर वोरा फॉर रियल टाइम फ्लड फॉरकास्ट। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा इस ऐप का नाम है फ्लड वॉच, ठीक है, क्या नाम है इसका? फ्लड वॉच, जो बनाई है आपकी सेंट्रल वाटर कमीशन में, CWC ने इसे बनाई है, जिसके चेयरमैन कौन है? खुशविंदर वोरा, अभी हमने पढ़ा। अब जो ये ऐप है इसका मेन मोटिव क्या है? कि हमें फ्लड के बारे में फॉरकास्ट देना, ठीक है, इसके साथ साथ रियल टाइम रिवर फ्लो भी ये हमें बता सकता है, ठीक है, और हमारे जो नियरेस्ट स्टेशन है, क्लोजेस्ट स्टेशन है, उसके बारे में हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसके जो फ्लड एडवाइजरी है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब जो ये ऐप है ये एट प्रेजेंट दो लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, एक तो आपकी इंग्लिश हो गई और दूसरी है हिंदी में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है इंडिया ने साइन किया है MOC, MOC क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन विद विच कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का फुल फॉर्म आपका है यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना विच इज नोरा 50 इंटीग्रेशन मस्ट। अब यहाँ पे बात करिए यूनिकॉर्न की, यूनिकॉर्न आपका ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे हॉर्न टाइप स्ट्रक्चर,
इसको बोलते हैं हम यूनिकॉर्न, ठीक है, विच इज नोरा 50। अब ये अगर शिप में लगा दिया जाता है तो उसके बाद शिप की जो लोकेशन है वो ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है दुश्मन के लिए। तो इसी वजह से इंडिया ने यहाँ पे आपका टाई अप किया है जापान के साथ कि यहाँ पे इंडिया की नीड्स के अकॉर्डिंग हम अपने शिप्स के लिए ये नोरा 50 जो है इसे बनाएंगे, ताकि आने वाले टाइम में जो हमारे दुश्मन हैं वो हमारे शिप्स की जो लोकेशन है वो ट्रैक ना कर पाए, ठीक है, और हम इजीली अपना काम जो है वो परफॉर्म कर पाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, दैट इज टेली मानस चैटबॉट फॉर द पीपल इन अ मेंटल डिस्ट्रेस। सो इनमें से आपका कौन सा ऐसा जो है यूनियन टेरिटरी है जिसने से लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? जम्मू एंड कश्मीर में, जिसके आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? इनका नाम है मनोज सिन्हा, ठीक है, क्या नाम है? मनोज सिन्हा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, इन ऑगस्ट 2023 द आरबीआई हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज टू डेवलप सिस्टम यूजिंग अ एआई विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमएल मशीन लर्निंग फॉर इट्स सुपरवाइजरी फंक्शन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज मैकेंसी एंड कंपनी लिमिटेड अलॉन्ग विद एसेंचर इंडिया, ठीक है। इन दोनों ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है आरबीआई के साथ, और यहाँ पे इन्होंने 91 करोड़ का जो है कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, ठीक है, किस चीज के लिए? कि सुपरवाइजरी फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द मूपी प्राइवेट लिमिटेड हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हीट इंडेक्स बेस्ड इंश्योरेंस प्लान फॉर अ डेयरी फार्मर्स ऑफ अ मू मार्क अलॉन्ग विद विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके इसे लॉन्च किया गया है? तो IBISA नेटवर्क, HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस एंड इंश्योरटेक स्टार्टअप ग्राम कवर जो है इन सब के साथ मिलके इसे लॉन्च किया गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। अब यहाँ पे जो इंश्योरेंस है वो कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? यहाँ पे 60 डेज का पीरियड रखा गया है। अगर इस पीरियड में एक स्पेसिफाइड लिमिट तक या उससे ज्यादा जो है एक्सीड करता है टेम्परेचर, इन दैट केस यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा डेयरी फार्मर्स को। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट इज, विच बैंक टॉप द लिस्ट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन टर्म्स ऑफ अ लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ इन अ परसेंटेज ड्यूरिंग द क्वार्टर वन ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर 2024। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने इस लिस्ट को टॉप किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। कौन सा बैंक है? इट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको नोट करनी है, दैट इज कि जो यहाँ पे जो आपका हाइक देखा गया है, राइज देखा गया है, वो कितना परसेंट है? इट इज ऑफ अ 25%, ठीक है, जो हाईएस्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक में, ठीक है। एंड इसके अलावा जो डोमेस्टिक एडवांसेस हैं ये कितने यहाँ पे दिए गए हैं? इट इज 24.98%, ठीक है, विच इज टोटल ऑफ योर 1,75,676 करोड़, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बाकी अदर बैंक्स के बारे में देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे आपका था यूको बैंक, ठीक है, थर्ड में आपका आ जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा, फोर्थ इज योर इंडियन ओवरसीज बैंक एंड फिफ्थ इज योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि फर्स्ट 5 बैंक्स के नाम पूछे जा सकते हैं, तो ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, कहाँ पे लोकेटेड है? पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड करंट इसके सीईओ कौन है? एमडी एंड सीईओ, इनका नाम है एएस राजीव। क्या नाम है? एएस राजीव, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैव डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट ट्रैक्टर दैट ऑपरेट्स ऑन 100% डाइमिथाइल एथर फ्यूल फॉर सस्टेनेबल ऑन एंड ऑफ रोड यूसेज। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर ने इसे डेवलप किया है, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल डीजल इंजन होते हैं उनकी जगह जिसमें डीजल आपका यूज होता है उसकी जगह अब यहाँ पे डाइमिथाइल ईथर यूज किया जा सकेगा, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है प्लस ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, दैट इज कि इस डेवलपमेंट में, ठीक है, जो आपकी सर्ब है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया था इस डेवलपमेंट के लिए IIT कानपुर को। इसके अलावा इट वाज आल्सो अलाइंड विद द नीति आयोग मेथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो आपको नोट करनी है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि अभी वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी डाइमिथाइल ईथर यूज कर रही हैं? तो आंसर है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? एक तो आपकी यूएसए हो गई, ठीक है, जापान में ये यूज होता है, फिर आपका डेनमार्क भी इसे यूज कर रहा है, ठीक है, और कौन सी कंट्रीज हैं? चाइना आपकी आ गई, फिर स्वीडन आ गई, ये सारी आपकी ऐसी कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी डाइमिथाइल ईथर यूज कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज साइन एन एमओयू विद द वॉजर स्पेस टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज इन अ स्पेस टेक्नोलॉजी। सो रिसेंटली जो वॉजर स्पेस है इन्होंने कौन सी कंपनी के साथ, कौन सी इंडियन कंपनी के साथ जो है एमओयू साइन किया है
फॉर एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज इन द स्पेस टेक्नोलॉजी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ, जो आपका आम है इसरो का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है इसका हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका। एंड इसका चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है राधा कृष्णन दुरैराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च अ अम्मा पोखरी स्कीम विच एम्स टू रिजुविनेट 2000 लार्ज वाटर बॉडीज इन 115 अर्बन लोकल बॉडीज इन द स्टेट। सो रिसेंटली जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आपका अमा पोखरी स्कीम, जिस स्कीम के तहत जो आपके वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, इनको रेनोवेट और मेंटेन किया जाएगा। अब यहाँ पे किसके साथ मिलके इनको रेनोवेट और आपका मेंटेन किया जाएगा जो वाटर बॉडीज हैं, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दैट इज जो आपका मेंबर्स हैं मिशन शक्ति वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के, ठीक है, मेंबर्स ऑफ मिशन शक्ति वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो इनके मेंबर्स के साथ मिलके यहाँ पे रेनोवेट और मेंटेन किया जाएगा वाटर बॉडीज का। और यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितनी दी गई है इस स्कीम के लिए, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 120 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है फॉर दिस स्कीम। ठीक है, और इसे लॉन्च किसने किया था, जो आपके सीएम है ओडिशा के नवीन पटनायक जी। ठीक है, नेक्स्ट है द रास अल खेमा इकोनॉमिक जोन दैट इज राकेश एंड इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर दैट इज ICFA साइन MOU टू प्रमोट ट्रेड एंड इनोवेशन इन अ फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स बिटवीन डैश एंड इंडिया। सो यहाँ पे जो आपका रेकॉर्स ग्रुप है एंड जो इंडिया का इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर है, इन्होंने एक MOU साइन किया है ताकि ट्रेड और इनोवेशन को जो है प्रमोट किया जा सके। अब ये कौन से देश का आपका ग्रुप है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अ UAE। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब इसके साथ साथ नोट करना है कि यहाँ पे MOU साइन किया गया है, जो CEO है आपके राकेश ग्रुप के, जिनका नाम है रमेश जलाद, एंड जो आपके चेयरमैन है ICFA के, इनका नाम है MJ खान। ठीक है, अब ICFA की बात हो ही रही है, तो इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 2015 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है पंजाब सिंह। क्या नाम है, पंजाब सिंह, ये आपके प्रेसिडेंट हैं ICFA के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली इन जून इंडिया कैरीज आउट सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ अ न्यूक्लियर केपेबल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा। द मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो अग्नि 1 है आपकी, इसका स्ट्राइक रेट यहाँ पे पूछा गया है, स्ट्राइक रेंज यहाँ पे पूछा गया है, तो स्ट्राइक रेंज क्या है इसका, इट इज ओवर दी 700 किलोमीटर। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा इसकी लेंथ आपकी है 15 मीटर्स की, अगर हम इसकी वेट की बात करें इट इज योर 12,000 किलोमीटर्स एंड पेलोड इंपॉर्टेंट है 1000 kg इसका पेलोड है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा अग्नि 1 जो है इसे डेवलप किसने किया है, तो इसे डिजाइन एंड डेवलप किया है DRDO ने, जिसके आपके चेयरमैन कौन है, समीर वी कमाल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज हु इज द 78th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे 1945 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क USA में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 78th प्रेसिडेंट कौन है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज डेनिस फ्रांसिस, जिनका टेन्योर अभी 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया था, 77th प्रेसिडेंट को, जिनका नाम है कसाबा कुरोसी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अप क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च अ इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी फॉर देयर कस्टमर। अब जो ये आपकी फैसिलिटी है इसमें क्या होता है कि आपको सिंगल यूज डायनेमिक QR कोड जो है उसकी हेल्प से QR कोड स्कैन करके आप कैश विड्रॉल कर सकते हो किसी भी ATM से। ठीक है, ये फैसिलिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च की है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, इन मंथ ऑफ जून, ठीक है, जून के महीने में यही फैसिलिटी बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी जो है लॉन्च की थी अपने कस्टमर्स के लिए। फाइन, अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या चीज नोट करनी है, दैट इज कि SBI ने अपनी जो योनो ऐप है इसे रिवैम्प किया था और इसमें आपके UPI फीचर्स ऐड किए गए थे, जैसे स्कैन एंड पे हो गया। ठीक है, स्कैन एंड पे हो गया, फिर पे बाय कॉन्टैक्ट, फिर रिक्वेस्ट मनी, इस टाइप के फीचर्स यहाँ पे इन्होंने ऐड किए हैं। इसके अलावा एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1 जुलाई को आपका जो है SBI बैंक डे होता है, बैंक डे। ठीक है,
1955 में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था, 1 जुलाई 1955 को, एंड 2023 में हमने इसका कौन सा जो है एडिशन सेलिब्रेट किया है, तो 68 एडिशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। हेडक्वार्टर कहाँ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन क्या है, द बैंकर टू एवरी इंडियन, द बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खरा। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च अ न्यू स्कीम पेंगल पुथु कप्तु थितम, जो एक विमेन सेफ्टी स्कीम है एंश्योर करने के लिए सेफ्टी ऑफ अ विमेन ट्रैवलिंग अलोन एट नाइट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट इज लॉन्च बाय दी तमिलनाडु पुलिस। अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है दैट इज कि 10 PM से लेकर अगर 7 AM के बीच में कोई लेडी या कोई वेमेन ट्रैवल कर रही है, अगर उसे अनसेफ फील होता है, इन दैट केस जो पुलिस की पेट्रोल व्हीकल होती है वो उन्हें फ्री ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, इन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर है उसे दिया हुआ है, उसे आपको डायल करना है। जैसे 1091 हो गया, 112 हो गया, ठीक है, ऐसे ही उन्होंने दो तीन आपके हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किए हैं, जिसके हेल्प से आप अगर अनसेफ फील करते हो तो आप पुलिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु रिसीव 57th जनपीठ अवार्ड, इंडिया हाइएस्ट लिटरेरी ऑनर। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, 57th जनपीठ अवार्ड दिया गया है दामोदर मौजो को, जो आपके कोंकण राइटर हैं। ठीक है, कोंकणी राइटर हैं, और ये सेकेंड कोंकणी राइटर हैं जिन्हें ये जो है जनपीठ अवार्ड दिया गया है। इससे पहले जो है रविंद्र कालेकर जो आपके हैं, ठीक है, रविंद्र केलेकर जो है, इनको 42nd जनपीठ अवार्ड दिया गया था। ठीक है, एंड ये फर्स्ट कोंकणी राइटर बने थे जिन्हें अवार्ड दिया गया था। सेकंड कौन है, दामोदर मौजो। इसके अलावा 56 जो जनपीठ अवार्ड था ये किसे दिया गया था, ये दिया गया था आपका नीलमानी फुंकन, जो आपके असामी राइटर हैं, ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा जो दामोदर मौजो है, इनको 1983 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था इनकी नॉवल के लिए, जिसका नाम है कर्मिलिन। ठीक है, क्या कौन सी नॉवल है, कर्मिलिन नॉवल, जिसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था दामोदर मौजो को। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या नोट करना है, जो 57 जनपीठ अवार्ड है ये गोवा के गवर्नर जिनका नाम है PS श्रीधरन, इन्होंने इस अवार्ड को प्रेजेंट किया था, किन्हें, दामोदर मौजो को। नाउ नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग NITs, NITs क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो विच अमंग द फॉलोइंग NITs, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट, इज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू बी द नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम। सो बेसिकली जो आपका नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम है, इसका मेन मोटिव क्या है इसे क्रिएट करने का, ताकि जो हमारे डैम्स हैं, ठीक है, इंश्योर करना कि जो हमारे डैम्स हैं उन्हें कोई इफेक्ट ना पड़े या उन्हें कम इफेक्ट पड़े अगर अर्थक्वेक आता है या कोई भी नेचुरल डिजास्टर जो आता है, उससे कैसे प्रोटेक्शन देनी चाहिए उसे इंश्योर करना, ये कौन करेगा, नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम। और ये इस टाइप का पहला ऐसा जो है नेशनल सेंटर बनाया गया है इंडिया का, जो इंश्योर करेगा प्रोटेक्शन ऑफ डैम्स की। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, इसका एक डिपार्टमेंट है, दैट इज नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। ठीक है, सो ये जो आपका डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, इन्होंने MOU साइन किया है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि जो ये आपका इंस्टीट्यूट है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका जो नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट है, इसे आपका रिकॉग्नाइज किया जा सके एज अ नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम। तो ये MOU के यहाँ पे इस MOU को साइन किया गया है। ठीक है, किस चीज के लिए साइन किया गया है, रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारा जो नेशनल सेंटर है फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम के लिए। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, नेक्स्ट आने वाले 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, तो जो आपका ये सेंटर है नेशनल सेंटर जो अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम के लिए बनाया गया है, इसके लिए यहाँ पे एलोकेशन दी गई है 30 करोड़, ताकि ये अच्छे से स्टैब्लिश किया जा सके और ये अच्छे से काम करे यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वॉन द ओवरऑल चैंपियनशिप ऑफ थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हेल्ड इन उत्तर प्रदेश। सो आपका जो खेलो इंडिया गेम्स था, ठीक है, थर्ड एडिशन का जो खेलो इंडिया गेम्स था, ये आपका कहाँ पे हेल्ड हुआ है, उत्तर प्रदेश में, और इसे टॉप किसने किया है। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसे टॉप किया है, और फर्स्ट एडिशन जो आपका था खेलो इंडिया का, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, उसे भी टॉप किया था आपका पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो आपका भुवनेश्वर ओडिशा में हेल्ड हुआ था। अगर हम बात करें सेकेंड जो आपका एडिशन था, सेकेंड एडिशन
जो आपका हेल्ड हुआ था बैंगलोर कर्नाटका में, ठीक है, इसे किसने जीता था, तो आपका जीता था इसे जैन यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, ये चीज नोट करनी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैस्कॉट के ऊपर बन सकता है, तो इसका मैस्कॉट क्या है, जीतू, ठीक है, और वैसे ये आपका क्या है, स्वान डियर है, जो आपका स्टेट एनिमल है यूपी का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये स्टेट एनिमल है, ये आपको याद रखना है। अगर हम यहाँ पे बात करें गेम्स एंथम की, तो गेम्स एंथम यहाँ पे क्या था आपका, खेलो इंडिया हर दिल में देश, और इसका टॉर्च का नाम क्या था, शक्ति। अब यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, तो टोटल मेडल्स यहाँ पे उन्होंने कितने जीते हैं, तो इन्होंने टोटल 69 मेडल्स जीते थे, जिसमें से आपका 26 गोल्ड था, 17 सिल्वर था एंड 26 आपका ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स कितने थे यहाँ पे, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल स्पोर्ट्स जो थे ये आपके थे 21 स्पोर्ट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हंगर हॉटस्पॉट FAO WFP अर्ली वार्निंग्स ऑन एक्यूट फूड इनसिक्योरिटीज। सो रिसेंटली इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जो है एक रिपोर्ट रिलीज की है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है अबाउट द हंगर हॉटस्पॉट, तो हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं ये जान लेते हैं, इनका मतलब क्या होता है, ऐसी जगहें जहाँ पे एक्यूट हंगर जो है वो आपके हाइएस्ट रिस्क पे है, दैट मीन्स कि वो अगर थोड़ा अच्छा है तो वो और मतलब थोड़ा अगर अच्छा है तो वो खराब हो सकता है, दैट मीन्स अगर सिचुएशन जो है ज्यादा खराब है तो वो उससे ज्यादा और खराब हो सकती है, तो इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन दी है, और ये एस्टिमेट लगा रहे हैं यहाँ पे जून 2023 से लेके आपका नवंबर 2023 तक का, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनाया गया है, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर अमंग दी हाईएस्ट कंसर्न नेशन इन अ हंगर हॉटस्पॉट इन दी वर्ल्ड। सो यहाँ पे इन्होंने इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पांच ऐसे नेशंस का नाम बताया है जो हाईएस्ट कंसर्न नेशन में है, कौन कौन से ये नेशन है, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया, साउथ सूडान, ठीक है, साउथ सूडान एंड यमन, ये आपके पांच ऐसे नेशंस हैं जो हाईएस्ट कंसर्न की लिस्ट में डाले गए हैं, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, ये सारे आपके कंट्रीज जो हैं दे आर करेक्ट, ठीक है। इसके अलावा वेरी हाई कंसर्न नेशन में कौन से किन नेशंस को डाला गया है, पाकिस्तान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथोपिया, केनिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड सेरेन अरब रिपब्लिक, ये सारे आपके जो है वेरी हाई कंसर्न नेशन में डाले गए हैं, तो ये दोनों लिस्ट आपको याद रखनी है। इसके अलावा क्वेश्चन अगर ये बना कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज जो आपके यहाँ पे हंगर हॉटस्पॉट में आई हैं उनका नाम क्या है, एक तो आपका हो गया पाकिस्तान, ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया, दैट इज अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, एंड तीसरी आपकी कौन सी है, इट इज योर म्यांमार, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनका नाम हंगर हॉटस्पॉट में इस लिस्ट में जो है शामिल किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा रिलीज अ बुक अमृत काल की ओर विच शोकेस द अचीवमेंट्स ऑफ अ मोदी गवर्नमेंट ड्यूरिंग द पास्ट 9 ईयर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, द बुक इज ऑथर्ड बाय हुम। सो इस बुक को लिखा है शिवानंद द्विवेदी अलॉन्ग विद द के उपाध्याय, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री इंक्स अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑन द एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर द वन हेल्थ दैट इज AHSSOH विद विच ऑर्गेनाइजेशन एमिंग टू क्रिएट एन इको सिस्टम फॉर अ बेटर एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये कोलैबोरेशन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का विद दी वर्ल्ड बैंक, ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको ये चीज नोट करनी है, जो AHSSOH है, ठीक है, ये जो आपका प्लान है ये इंडिया का पहला एनिमल पेंडेमिक रिस्पॉन्स प्लान है, जो किसका ज्वाइंट वेंचर है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का, साथ में वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने इसके साथ साथ लॉन्च किया था एक और प्रोजेक्ट जिसका नाम है एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव, ठीक है, दैट इज APPI, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ पायलट स्कीम मिशन 50K इलेक्ट्रिक व्हीकल दैट इज EV फॉर ECO टू एनहांस द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। तो आंसर यहां पे आपका हो जाएगा, ये पायलट प्रोजेक्ट या पायलट स्कीम लॉन्च की है SIDBI ने, जिसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, वेरियस अगर हम चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन का नाम क्या है, शिवा सुब्रमण्यम रमन, ठीक है, क्या नाम है इनका, शिवा सुब्रमण्यम रमन, और SIDBI को स्टैब्लिश कब किया गया था, 1990 में, 2 अप्रैल 1990 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर द स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट, क्लोजिंग जेंडर गैप इन एग्री फूड सिस्टम कैन बूस्ट ग्लोबल इकोनॉमी बाय 1 ट्रिलियन
यूएस डॉलर द रिपोर्ट इज रिलीज बाय डैश। सो इस रिपोर्ट को रिलीज किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है रोम इटली में, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है क्यू डोंग्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड सेकेंड अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रोन फ्रॉम हेली टू। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगेन इट इज डन बाय द नॉर्थ कोरिया। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ पे हेल जो है इसका मतलब क्या होता है, सुनामी। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अगर हम कैपिटल की बात करें आपके नॉर्थ कोरिया की, तो ये आपका है प्योंगयांग। क्या नाम है इसका, प्योंगयांग। ठीक है, करेंसी क्या है इसकी, तो वॉन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव द फेज वन मर्जर ऑफ अ टाटा एस आई ए एयरलाइंस लिमिटेड इन टू डैश। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, टाटा एस ए एल जो है बेसिकली टी एस ए एल, ये आपका विस्तारा है, विस्तारा जो एयरलाइन है। ठीक है, ये बेसिकली ज्वाइंट वेंचर है आपका टाटा सन्स एंड जो आपके सिंगापुर एयरलाइन है उसका। ठीक है, नाउ अब इनका मर्जर कौन सी एयरलाइन के साथ हो रहा है, तो इट इज एयर इंडिया एयरलाइन। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे जो ज्वाइंट वेंचर मैंने आपको बताया है इसका शेयर देख लेते हैं, दैट इज कि जो टाटा एस ए एल है इसमें आपका टाटा सन्स का शेयर कितना है, इट इज 51% एंड 49% ये आपका शेयर है सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड का। इसके अलावा जो अभी फेज वन का मर्जर है यहाँ पे सिंगापुर एयरलाइंस जो है ये यहाँ पे होल्ड कर रही है आपके 25.1% के शेयर्स, ये ध्यान में रखना आपको। नाउ नेक्स्ट इज विच कंपनी रिसेंटली इन सेप्टेम्बर रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ एनबीएफसी। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्हें रिसेंटली इन मंथ ऑफ सेप्टेम्बर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया था बाय द आरबीआई। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड, जो आपकी सब्सिडरी है, होली ऑन सब्सिडरी बजाज ऑटो की। ठीक है, अब इसके सीईओ पूछ लिए जा सकते हैं, इनका नाम है राकेश मक्कर। क्या नाम है, राकेश मक्कर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज एक्सटेंडेड द लास्ट डेट टू एक्सचेंज रुपीज 2000 बैंक नोट टिल डैश। तो देखो अभी जो है डेट एक्सटेंड कर दी गई है 2000 के रूप जो नोट्स हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए, पहले ये आपकी 30 सितंबर थी। ठीक है, अभी इसे एक्सटेंड करके 7 अक्टूबर कर दिया गया है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब ये जो 2000 के नोट है ये आपका स्टार्ट कब किए गए थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नवंबर 2016 में ये स्टार्ट किए गए थे, इन्हें लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉरेन कंपनी हैज लॉन्च समाधान इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स। इनमें से कौन सी आपकी जो है एग्री कंपनी है, एग्रीकल्चर कंपनी है, एग्रीकल्चर सेक्टर कंपनी है, जिसने जो है यहाँ पे आपका इनिशिएटिव लॉन्च किया है समाधान। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज गोदरेज एग्रोवर्ट। ठीक है, कौन सी कंपनी है, गोदरेज एग्रोवर्ट। इसके एमडी एंड सीईओ की अगर हम बात करें, इनका नाम क्या है, बलराम सिंह यादव। ठीक है, क्या नाम है, बलराम सिंह यादव। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नाउ इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन, दैट इज ये पहली कंपनी बनी थी इंडिया की जिससे वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया गया था अंडर द इंडियन पाम ऑल सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।